देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ने में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी के नेशनल कन्वेनर और बहनजी के भतीजे आकाश आनंद ने एक मुहिम शुरू कर दी है। आकाश ने बीएसपी से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया। ऐसा पहली बार है कि बीएसपी ने कोई मोबाइल नंबर जारी किया है। डिजिटली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी की जो मास आउटरीच कार्यक्रम है उसके तहत अपने समर्थकों को पार्टी से जोड़ने का कैंपेन शुरू किया। इसके लिए बीएसपी की ओर से 9911278181 नंबर जारी किया है। यानी आप अगर बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है और 9911278181 पर कॉल करना है। एक मिस्ड कॉल जाएगी और उसके बाद आपका कॉल कट जाएगा और उसके बाद जो डेटा है आपका, जो नंबर है, वो बीएसपी के साथ रजिस्टर हो जाएगा और फिर उनके वहां से जो कम्युनिकेशन होंगे, जो मैसेज आएंगे, वो सीधे आपके मोबाइल तक पहुँच जाएंगे। पहली बार बीएसपी ने इतना बड़ा कदम उठाया है समर्थकों को अपनी पार्टी से जोड़ने का। जो भी लोग बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें बस इस नंबर पर मिस्ड कॉल करना है। आकाश ने इस नंबर को जारी करते हुए ट्विटर पर एक हैशटैग भी लिखा, मेरे साथ चलें बीएसपी से जुड़ें, और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे लेकिन अपने तरीके से लड़ें। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी और जीती भी है, और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीते। बीएसपी की सोशल मीडिया रणनीति को लेकर जबरदस्त आलोचना होती रही है, क्योंकि लंबे वक्त तक बीएसपी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब बीएसपी भी अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर रही है। बताया जा रहा है कि अब बीएसपी आकाश आनंद की अगुवाई में बीएसपी 2.0 वर्जन लॉन्च करने जा रही है। यानी एक नई बीएसपी होगी जो ना सिर्फ डिजिटली अपने आप को मजबूत करेगी, अपना बेस मजबूत करेगी, बल्कि जनसंपर्क अभियानों के जरिए भी जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि बहनजी के जन्मदिन यानी 15 जनवरी को बीएसपी अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सीधे बसपा से जुड़ने का विकल्प होगा। इस ऐप की खास बात यह भी है कि इस ऐप पर कार्यकर्ता अपने सुझाव दे सकेंगे और सीधे पार्टी के सीनियर नेताओं तक उनके सुझाव पहुंच जाएंगे। पहले लोगों का ये शिकायत होती थी कि वो बीएसपी के नेताओं के पास जाएं, अपनी बात बताएं, वो सुप्रीम लीडर तक, जो सीनियर लीडर हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब ऐप के जरिए आप अपनी बात लिखेंगे और बताया जा रहा है कि सीधे वो सीनियर लीडर तक पहुँच जाएगा। यानी बीच में कोई मैसेज को इधर से उधर नहीं कर पाएगा, बड़ी बात है। यानी अब आकाश आनंद की अगुवाई में नई तरह की बीएसपी बनाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पे कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वाले लोगों से आप संभल के रहें और तैयार हो जाइए बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चले और बीएसपी से जुड़े। बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम को आकाश आनंद ही लीड करेंगे। हाल ही में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें नेशनल कन्वेनर की जिम्मेदारी देते हुए अपना उत्तराधिकारी बताया था कि यही बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। बड़ी बात बहनजी ने कही थी कि मैं अपनी जो विरासत है ये अब आकाश आनंद को ही सौंपने का उन्होंने ऐलान किया था कि वही उत्तराधिकारी होंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ही अब पार्टी की कमान संभालेंगे। और पार्टी में क्या बदलाव हो सकते हैं, नए ज़माने के साथ कैसे उसमें कदमताल की जा सकती है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ये अब आकाश आनंद तय करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि जो बीएसपी है वो विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में जाएगी या नहीं। हालांकि बहन जी कह चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीच में रह रहकर खबरें आती रही हैं, तो अभी साफ नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी या बीएसपी जो है वो इंडिया अलायंस में जाएगी। एक और कांग्रेस जनता से सीधे जुड़ने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, जो कि मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी और मुंबई में ख़त्म होगी। और दूसरी तरफ बीएसपी जो है वो अभी अब अपने मास आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जनता से सीधा संपर्क हो, सड़क पर निकलें, जनता से मिलें, अपनी आउटरीच को बढ़ाएं, तभी आपको वोट शेयर
में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक बड़ी शुरुआत बीएसपी की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है और भाजपा के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और अभी राम मंदिर के सारे देखिए कैसे चुनावी कैंपेन हो रहा है और विपक्षी पार्टियों पर ये आरोप लगता रहे कि वो सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव पीढ़ीगत भी नजर आ रहा है, क्योंकि नए जमाने के आकाश आनंद अगर नई तकनीक के साथ नए नए जो विकल्प हैं उनको अपनाते हैं तो फिर बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बसपा के इतिहास में पहली बार मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है। ये नंबर आकाश आनंद से जुड़ने के लिए है और इससे समर्थकों में एक नई उम्मीद भी जागेगी कि अब हम सीधे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तमाम पार्टियां इस तरह से मिस्ड कॉल नंबर जारी करती रही हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी से लेकर टीएमसी तक तमाम पार्टियों ने इस तरह के मिस्ड कॉल नंबर जारी किए हैं। तमाम लोगों का जो उनके समर्थक हैं या जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर जैसी जो जानकारी है वो तमाम डेटा इन पार्टियों के पास होता है। ये अपनी पार्टियां जो हैं उनको प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, सीधे उन तक मैसेज डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट डालने की अपील उनसे होती है, तो इसे एक संपर्क बना रहता है। तमाम पार्टियां पहले से ही ये एक दशक पहले से ही ये कैंपेन चला रही हैं, लेकिन बीएसपी ने अब इसके साथ अपने आप को जोड़ने की शुरुआत की है। ऐसे में जब डिजिटली बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं कि अगर आपकी डिजिटल पहचान नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब बसपा ने भी देर से ही लेकिन समय के साथ बदलने की कोशिश की है। इसका स्वागत होना चाहिए। अब देखना होगा कि इसके बाद उनके जो चुनावी रणनीति है उसमें क्या बदलाव आता है और साथ ही चुनावी नतीजों में कितने परिवर्तन आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? जो नया नंबर आया है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा जो है वो उसी तरह से जीत हासिल कर सकती है जैसे किसी ज़माने में बहन जी ने यूपी में अपने दम पर सरकार बनाई थी? आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।